400 रुपए का गुलाब जामुन, सीरियसली 450 रुपए का गुलाब जामुन, और ये हमारा 44 रुपीज का गुलाब जामुन, मतलब दो दो पीसेस 22 रुपए का एक, और ये हमारे 20 रुपए के गुलाब जामुन जो कि दो पीसेस है 10 रुपए का एक। तो गाइस देखते हैं 10 रुपए में और 450 रुपए में ऐसा क्या है, गुलाब जामुन भी इतना महंगा होता है। तो चलिए सबसे पहले अपना 10 वाला रेगुलर वाला गुलाब जामुन देखते हैं। हमारा 10 रुपए का गुलाब जामुन, हमारे 10 रुपए के गुलाब जामुन निकाल लेते हैं। ओह मस्त है, बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा है ये, असली गुलाब जामुन है यार, दिखा। तो इस तरीके से कुछ गुलाब जामुन है ये, तो इसको रख देते हैं और अभी देखते हैं हम हल्दीराम का 22 रुपए का गुलाब जामुन। तो इस तरीके से कुछ दो गुलाब जामुन है, इस तरीके से पैकेजिंग रहती है इनकी। हाँ, इसको खोलते हैं। उनका कलर बहुत डार्क था, ये थोड़े थोड़ा लाइट से है। चलो ठीक है, 20 रुपए का 10 रुपए का डिफरेंस। सो अब बारी है मेन देखने की कि सच्ची में 450 के गुलाब जामुन में क्या होता है। मैंने तो ऐसे एक दो पीसेस कभी लाए नहीं गुलाब जामुन के, तो मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट कितने का मैंने खाया है। गुलाब जामुन का पैकेट दिख रहा है, दिखाओ पैकेट में कैसा है। पैकेट है, खोलने तो दो तो पता चले, दो पीसेस तो है लेकिन बताती हूँ कैसे। अच्छा, दो पीसेस है क्या, चलो दिखाओ आकांक्षा। तो ये आधा गुलाब जामुन है, इसमें स्टफिंग भरी गई है। हाँ, और पीछे से दिखाओ, पीछे से ये यार ये कुछ अजब ही है, एकदम बुद्धू बना दिए यार। ये ऐसे भी गुलाब जामुन आते हैं आधे आधे वाले, मुझे नहीं पता, अब इस बार इससे खाऊंगी मैं। महंगे के गुलाब जामुन देखो गाइस ऐसे रहते हैं। सो चलो जल्दी से भी टेस्टिंग करो, 10 रुपए वाला गुलाब जामुन पहले टेस्ट करते हैं। देखो 10 रुपए वाला बहुत सही दिख रहा है, देखो कलर एकदम वो जो गुलाब जामुन बनाते हैं ना हार्ड वाला। हां थोड़ा हार्ड है ये। कैसा लग रहा है कंचा? टेस्टी, अच्छा लग रहा है, इलायची वाला फ्लेवर आ रहा है। वो देखने में ही वो सही लग रहा है ना। तो चलिए अभी देखते हैं हल्दीराम का। तो इससे भी ज्यादा हार्ड है। हाँ हार्ड है ये गुलाब जामुन बहुत सारा। अच्छा, अंदर कुछ स्टफिंग है, दिखाओ इधर दिखाओ, देखो कुछ तो भी स्टफिंग है ना इसमें, ये अंदर कुछ तो भी स्टफिंग डाले हुए, पिस्ता वगैरह दिख रहा है बारीक पिसा हुआ, अच्छा लग रहा है। देखो ट्राई करके। तो ये हमारा 22 रुपए वाला हल्दीराम कैसा है कंचा, क्या पिस्ता ही था क्या? हाँ पिस्ता ही था, मतलब ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर आ रहा है। अच्छा, और अच्छा है लेकिन बहुत ज्यादा मीठा है। गुलाब जामुन मीठा ही रहता है मेरी माँ, मीठा और बहुत ज्यादा मीठा में फर्क है। तो अभी बारी है हमारे महंगे के 450 रुपए के गुलाब, मतलब ऐसे पकड़े तो 450 में दो आए है ना, आधे आधे है, तो आधे आधे पीसेस। यहाँ पे पिस्ता है और क्या है, गुलकंद। अच्छा पिस्ता और गुलकंद है यहाँ पे, तो चलो अभी इसको ट्राई करते ऐसे खाते हो अभी। हाँ काफी लजीज लग रहा है ये, और हाँ इनके आधे गुलाब जामुन के ऊपर इन्होंने रबड़ी। अच्छा। पिस्ता, गुलकंद और रोज के पेटल्स भी डाले हुए हैं, कुछ अपने टाइप का बनाया है इन्होंने। इन्होंने मतलब अपना ही कुछ अलग गुलाब जामुन बना लिए, लेकिन खाने में काफी अच्छा लग रहा है यार। लेकिन 450 थोड़े ज्यादा भी हो गए, वो इतना ज्यादा वर्थ इट नहीं है, लेकिन एक बार खा सकते हैं इसको, मतलब मजा आ जाएगी खा के, अच्छा लग रहा है। जिनको गुलाब जामुन पसंद है वो कुछ अलग सा है ना ट्राई कर सकते हैं। वैसे रबड़ी के साथ गुलाब जामुन अच्छा लगता है, तो इन्होंने कुछ वैसा कॉम्बिनेशन किया, लेकिन इसके साथ अच्छा लग रहा है फ्लेवर काफी। तो इस बार तो फिर तीनों अच्छे लगे तुमको। हाँ तो फिर तीनों में विनर किसको दे यार, आप ही बताइए। इस बार चलो तीनों विनर आई थिंक, लेकिन प्राइस के हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा उतना भी वर्थ इट है। हाँ। लेकिन टेस्टी काफी है। तो चलो ठीक है फिर, ठीक है ठीक है। तो मैं तीनों का इस बार विन कर रही हूँ, बिकॉज तीनों अपनी अपनी जगह एकदम सही है प्राइस के हिसाब से।